राम राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पुंडित। मैं आशीष शर्मा और यूट्यूब चैनल मोटर पुंडित की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, आज हम कुंडली खोलेंगे टाटा की एक और ब्यूटी का, जिसका नाम है टाटा टियागो। ये टाटा टियागो हमारी बैक साइड में आप ये देख रहे हैं, जो इसका मॉडल है ये फोर्थ जनरेशन मॉडल है। इससे पहले ये इंडिका के नाम से आती थी, फिर बोल्ट के नाम से बीच में आती थी, फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करके टियागो आई है। ये 2020 का फोर्थ जनरेशन मॉडल है, BS6 के अंदर है। और इसकी फ्रंट लुक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक्स है, काफ़ी अच्छे लुक हैं, और हम बताएंगे इस वीडियो में इसके फीचर्स, फ्रंट लुक, बैक लुक, और इसी के साथ साथ इसके इंजन के बारे में। और जो इसका प्राइस है वो करीब करीब 6.30 लाख के करीब करीब है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, ये शुरुआत हो जाती है इस गाड़ी की 5 लाख से 7 लाख के बीच में ये गाड़ी आती है। तो चलिए कुंडली खोलते हैं टाटा टियागो की और दिखाएंगे आपको इसके फ्रंट लुक्स, रियर लुक्स और बैक लुक। तो गाइज, ये है टाटा टियागो की कुछ फ्रंट लुक्स आपके स्क्रीन के सामने। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेंटर में टाटा के बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक ट्राई एरो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में इसकी ग्रिल आती है। और इसी के साथ साथ इसके स्पोर्टी एंगुलर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं इस गाड़ी को। और आप यहां पर देखेंगे जो इसकी ग्रिल है और हेडलैम्प्स है, वो आपस में अच्छी खासे जॉइंट किए गए हैं। नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिश के साथ में जॉइंटेड मिलेंगे हेडलैम्प्स और ग्रिल। और इसी के साथ साथ जब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोग लैम्प देखने को मिल जाएंगे। ये है फोग लैम्प असेंबली। और आप देखेंगे जो टाटा टियागो का डिज़ाइन है वो स्कल्प्टेड हुड डिज़ाइन है टाटा टियागो का। इसी के अलावा टाटा टियागो इम्पैक्ट 2.0 फिलोसफी पर डिज़ाइन की गई है। इसका एक पावरफुल मॉडल भी आता है टाटा टियागो का, जो JTP के नाम से आता है। पहले वो मॉडल NRG के नाम से आता था। और इसी के साथ साथ जब आप इसकी साइड में आएंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा खासी कॉम्पैक्ट हैचबैक की लुक इसमें आती है, जिसके अंदर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो वो 170 mm है। और ऑल ओवर लेंथ की बात करें तो इस गाड़ी की 3765 mm लेंथ है। ब्रेथ है इसकी 1677 mm। और इसी के साथ साथ हाइट है 1535 mm की टाटा टियागो की। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी में आने वाले सेफ्टी फीचर की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल NCAP के द्वारा इसे 5 में से 4 रेटिंग दिए गए हैं। और आप यहां पर नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ अलॉय का डिज़ाइन आ रहा है। ये अलॉय नहीं है, ये इसके 14 इंच का व्हील कैप है। और इसका टायर साइज़ मैं बता दूँ 175/65 और रिम साइज़ है इसका 14 इंचेस। आप यहां पर देखेंगे इसके बॉडी कलर, डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे, और जो साइड मिरर है वो भी बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा। सनरूफ बिल्कुल प्लेन रखी गई है, इसमें ड्यूल टोन का भी ऑप्शन आता है। ये इसका डे टोन कलर है। और आप यहां पर देखेंगे सेंटर में यहां पर आपको एंटीना देखने को मिल जाएगा, जो कि शार्क फिन ना होकर नॉर्मल एंटीना दिया गया है। और जो टाटा टियागो का ये वाला कलर है, ये डे टोना ग्रे कलर है। इसी के साथ साथ इसमें सिल्वर कलर भी आता है, एक रेड कलर भी आता है, रेड, ब्लैक, वाइट कलर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। ये इसका XZ मॉडल है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये कुछ इसकी बैक है इस तरह की। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको बूमर रैंक शेप में टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। और इसी में आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर विंडशील्ड पर आप देखेंगे तो आपको वाइपर देखने को मिल जाएंगे, डिफोगर देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर टाटा टियागो की बैचिंग मिल जाती है। और ये बूट ओपनर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बम्पर का डिज़ाइन भी कुछ अच्छा खासा किया गया है। बम्पर में ड्यूल टोन फिनिश देखने को मिल जाती है, मैट ब्लैक और बॉडी कलर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 पार्किंग सेंसर इसके XZ मॉडल में दिए गए हैं। ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और हम दिखा देते हैं इसको, इसका बूट स्पेस, जो कि 242 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है टाटा टियागो के अंदर। तो गाइज, कुछ इस तरह का बूट स्पेस दिया गया है टाटा टियागो के अंदर। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पार्शल ट्रे भी ऑफर की जाती है। ये है बूट स्पेस 242 लीटर्स का, जो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ सामान रखने की जगह दी गई है। और ये नीचे की तरफ टूल किट मिल जाती है आपको। और ये है इसका 14 इंच का स्पेयर व्हील्स,
स्टील स्पेयर व्हील, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पार्शल ट्रे दी गई है। तो गाइज टाटा टियागो की सब चीज़ अच्छी लगी, बट एक चीज़ में जो है कमी लगी कि जो आप इसकी रियर सीट्स देखेंगे तो उसमें 60-40 का स्प्लिट नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है जब आप कोई भी सामान रखते हैं अपनी गाड़ी में तो 60-40 का स्प्लिट आपका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्यूल टैंक ओपनर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका फ्यूल टैंक 35 लीटर्स का है। अब हम चलेंगे टाटा टियागो की अंदर की तरफ में और बताएंगे इसमें क्या क्या आता है, बट उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ इसका इंजन, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। तो गाइज ये है टाटा टियागो का इंजन, जो कि 1200 सीसी का इंजन दिया गया है टाटा टियागो के अंदर। डीजल इंजन इसके अंदर अब नहीं आता, वो डिसकंटिन्यू किया दिया गया है कंपनी की तरफ से। अब इसके अंदर सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, 3 सिलेंडर इनलाइन रेवोल्ट्रॉन इंजन दिया गया है टाटा टियागो के अंदर, जिसकी फिट एंड फिनिश आप देखेंगे काफ़ी अच्छी है। ऊपर आप बोनट में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश दी गई है अंदर की तरफ में भी। और जिस जो इसका इंजन है उसमें 83 bhp की पावर जनरेट करता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्साइड की बैटरी दी गई है। टाटा टियागो टाटा के X1 प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अब हम चलेंगे इसके इनर साइड में और दिखाएंगे क्या क्या कुछ खास है और बताएंगे इसके सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। तो इनर साइड में जाने से पहले गाइस मैं इसकी दिखा दे आपको की फोब दिखा देना चाहता हूँ। इसकी टाटा टियागो की फोब कुछ इस तरह की है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स का बटन देखने को आपको मिल जाएंगे। अब हम कर लेते हैं इसे अनलॉक। और आप देखेंगे जो इसका फैब्रिक डिज़ाइन है और अपोल्स्ट्री है, वो ट्राई एरो फैब्रिक अपोल्स्ट्री दी गई है टाटा टियागो के अंदर, कुछ इस तरह की दिखती है अंदर से। और इसके रियर साइड डोर के ऊपर आप देखेंगे तो ये ड्यूल टोन फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ ऊपर की तरफ आपको ट्विटर देखने को मिल जाते हैं और नीचे की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो पावर्ड बाय हार्मन है। और यहाँ पर आप देखेंगे बोतल होल्डर का भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 6 स्पीकर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब इसकी रियर सीट्स पर बैठते हैं और देखते हैं कैसा है इसका कंफर्ट। तो गाइस जब आप इसके अंदर की तरफ बैठेंगे रियर सीट्स में, तो मैं इसके कंफर्ट की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी सही है, थोड़ा जो लेग रूम है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक लेग रूम दिया गया है। जो आगे वाली सीट्स हैं वो मैंने अपने ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इसमें 2 adults और 1 child आराम से आ सकता है रियर सीट्स पे। और अब दिखाते हैं कुछ इस तरह का इसका फ्रंट लुक है, फ्रंट डैशबोर्ड लुक। यहाँ पर आप देखेंगे आपको हार्मन का स्पीकर, हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है टच स्क्रीन, जिसके अंदर 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको दिया गया है इसके अंदर। तो चलिए अब फ्रंट सीट्स पर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या आता है। और उससे पहले यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ रियर सीट्स फैसिलिटी में आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, वाइट कलर रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे सीट बेल्ट्स भी आपको देखने मिल जाती हैं रियर सेफ्टी के अंदर, क्योंकि जो टाटा टियागो है उसके अंदर 2 एयरबैग आते हैं और ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट सारे ही कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पर और दिखाएंगे क्या क्या आता है इसमें। और गाइस जो इसके डोर हैं उसमें भी अगर आप एंट्रेंस उसकी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी एंट्रेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये करीब करीब 90 डिग्री के एंगल पर इसके डोर्स ओपन होते हैं, जैसा कि इसके एल्ट्रोज मॉडल के अंदर भी दिया गया है, टाटा टियागो के एल्ट्रोज में भी दिया गया है। और ये इसका स्टेयरिंग व्हील है। तो गाइस जो टाटा टियागो की सीट बेल्ट्स आती हैं वो लोड लिमिटर और प्री टेंशनर के साथ में आती हैं, जो कि सेफ्टी के नज़रिए से काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इसके अंदर में। तो गाइस ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, जिसमें आप देखेंगे ये ड्यूल टोन फिनिश के साथ में आता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ब्लैक फिनिश आती है, नीचे की तरफ आप देखेंगे कुछ कुछ वाइट ऑफ वाइट की फिनिश दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा।
और ये है इसके फोर पावर विंडो कंट्रोल, जिसमें ड्राइवर साइड डोर वन टच डाउन सिस्टम के साथ में आता है। और ये इसका दिया गया है ड्राइवर साइड डोर ओपनर कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें। फ्लैट बॉटम गाइस, ये है इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल के जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। और आप देखेंगे जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो फोर स्पोक्स के साथ में आता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में आपको ग्रे फिनिश के साथ में दिखता है, कुछ कुछ ग्रे फिनिश है। और सेंटर में आप देखेंगे टाटा की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और ये है टाटा टियागो का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है आपको। इसके अंदर आपको मिड में देखेंगे तो TFT भी देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको TFT दी जाती है, जिसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, और इसी के अंदर आप टू ट्रिप सेट कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा, और ये जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे फ्यूल इफिशेंसी इसके अंदर कितनी है। और इसी के साथ साथ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्यूल मीटर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जब आप इसके सेंटर कंसोल की तरफ देखेंगे तो सेंटर कंसोल में ऊपर की तरफ आपको AC डक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश दी गई है। साइड में आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, और AC डक्ट्स में एक लाइन दी गई है जो कि क्रोम फिनिश की दी गई है। और ये है टाटा का सबसे प्रीमियम और सबसे बेस्ट फीचर, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये पावर्ड बाय हरमन है, इसके अंदर फोर ट्विटर और फोर स्पीकर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और इसी के अंदर आप देखेंगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और फ़ोन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये होम, यहाँ से हम होम पे जा सकते हैं। ये होम पे आ गए, ये यहाँ की सेटिंग है इसकी, और इसमें आप जाके व्हीकल सेटअप कर सकते हैं, ऑडियो सेटअप कर सकते हैं, पार्क असिस्ट, अप्रोच लैंप्स, ऑडियो सेटअप के अंदर बैलेंस एंड फेडर, मिडल, ट्रेबल, ऑडियो प्रीसेट, जनरल सेटअप भी आप देखेंगे कुछ इस तरह का है। तो जिसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अगर टच की बात करी जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फॉग लैंप कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मैनुअली कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा, मैनुअली AC देखने को मिल जाएगा, और ये मैनुअली AC ऑपरेट करने के स्विच देखने को मिल जाएंगे। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा स्पेस नीचे की तरफ में। और ये है टाटा टियागो का गियर लीवर, जो काफ़ी ज़्यादा लुक ऐड ना करके एक क्लासिक लुक रखी गई है जिसकी, कुछ इस तरह का है। ये मैनुअल कार है, इसमें ये 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है, इसी के अंदर 5-speed ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन दिया जाता है, जो कि सेम 1200cc के इंजन के साथ में आता है। और ये है इसका हैंड ब्रेक कुछ इस तरह का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टू कप होल्डर दिए गए हैं, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पर थोड़ा स्पेस। जो आप इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे बटन स्विच दिया गया है उसको ओपन करने के लिए ऊपर की तरफ में, कुछ ऐसा। और यहाँ पर आप देखेंगे को पैसेंजर सीट्स पर आपको फैसिलिटी में हुक भी दिया गया है, जिस पे आप किसी भी पॉलीथीन वगैरह को हैंग कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। कूल बॉक्स नहीं दिया गया इसके अंदर, ये AC वेंट, और ये ट्विटर दिया गया है इस तरफ में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फ्रंट ए पिलर पर भी ट्विटर दिया गया है। और ये है सनवाइजर, ड्राइवर साइड सनवाइजर, जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। को पैसेंजर साइड सनवाइजर देखते हैं, जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी दिया जाता है। और ये है IRVM इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो गाइज, अगर इसके सेफ्टी फीचर की बात करी जाए और ड्राइव कंफर्ट की बात करी जाए
तो टाटा टियागो सेफ्टी के अंदर सेफ्टी के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि इनमें इसके कॉम्पिटिशन में आने वाली गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बेटर सेफ्टी दी जाती है टाटा के अंदर, टाटा की कार्स के अंदर। और ग्लोबल एनकैप के द्वारा भी टाटा टियागो को 5 में से 4 स्टार मिले हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये ब्रेक पैडल्स देखने को मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा स्पेस, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको हेडलैम्प्स कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, जो टाटा टियागो का स्टेयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रिकली टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है कुछ इस तरह से, टिल्ट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, आप अपने ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टाटा टियागो की जो सीट्स दी गई हैं वो 6-वे एडजस्टेबल दी गई हैं, जिसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है कुछ इस तरह से। और ये कुछ व्यू है इसका इनसाइड का, काफ़ी बिग लगती है। और यहाँ पर आप देखेंगे टाटा टियागो के ये ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM है इसके। तो गाइस एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आजकल सरकार द्वारा लागू कर दी गई है, यहाँ पर गाड़ी में एक ब्लू स्टिकर दिया गया जाता है, इसको अपने डीलर से कह के ज़रूर लगवा लें, नहीं तो इसका चालान काफ़ी महंगा पड़ सकता है आपको। और जो ये स्टिकर है ये पेट्रोल कार्स में ब्लू कलर का होता है, और इसके अलावा अगर आप डीजल कार बाय करते हैं तो उसमें ये रेड कलर का आता है। तो गाइज़ हमारे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको हमारा टाटा टियागो का वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ साथ हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले वीडियो की डिटेल्स आपको हमारे इंस्टा हैंडल पर दे दी जाएगी, तो हमारे को वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो किसी भी गाड़ी के रिगार्डिंग, तो हमारे को हमारे YouTube चैनल मोटर पंडित पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, और हमारे इंस्टा हैंडल पर भी हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकता है।